तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर कुछ इस टाइप की फ़ोटो हम एडिट करने वाले हैं जिसे हम ग्रीन पे एडिट करेंगे। तो दोस्तों हम जाते हैं अपने लाइट रूम पे। तो लाइट रूम पे आ जाने के बाद मैं अपनी फ़ोटो ले लेता हूँ जो मुझे एडिट करनी है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये नॉर्मल फ़ोटो है और आपको हम एडिट करके दिखाएंगे कुछ इस तरीके। तो हम जाएंगे लाइट वाले ऑप्शन पर और इसकी एक्सपोज को हम बढ़ा देंगे ये कोई 60 के पास और इसकी कॉन्टेस्ट को बढ़ा देंगे 47 और इसके जो है तो हाईलाइट को थोड़ा अच्छे से इंक्रीज कर लेंगे ये और इसकी शेडो को थोड़ा बढ़ा करके 33 कर देंगे। इतने शेडो और वाइटनेस को थोड़ा सा कम कर देंगे 14 और इसकी ब्लैक को भी 16 बढ़ा देंगे। इतना कर लेने के बाद जाएंगे कलर टूल पे और इसकी वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे 30। इतना करने के बाद जाएंगे ग्रीन वाले ऑप्शन पे और इसके फुल ह्यू को खींच देंगे 88 और इसकी जो है तो आप जैसे तो सेचुरेशन को 66 कर देना है और येल्लो वाले को फुल ग्रीन की तरफ खींच देना है और इसकी सेचुरेशन को हमें कर देना है 67 और इसकी जो लुमिनस है तो उसको इतना ही रखना है। जाएंगे ब्लू वाले ऑप्शन पे और इसे फुल लेफ्ट साइड खींच देना है और सेचुरेशन को थोड़ा अच्छे से इंक्रीज कर लेना है। सेम वही चीज़ अप्लाई कर देनी है जो हमने लास्ट में की थी। फिर जाएंगे कलर वाले टूल पे और इधर आने के बाद हम जिसे हम चाहेंगे वो कर लेंगे। तो इधर देखो तो ह्यू का ऑप्शन है जिससे थोड़ा हम बढ़ा देंगे और इसकी ह्यू को हम ये रख देंगे 123 और इसकी सेचुरेशन को कर देंगे 24 और इसकी शैडो ल्यूमिनस को हम यही कवर कर देंगे 21। और इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो तो नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे 61 और इसकी ब्लेंड्स को 41 कर देंगे। इतना कर लेने के बाद हम कर देंगे डन। तो डन करने के बाद दोस्तों आप देंगे कलर टूल पे और इसकी जो ऑरेंज वाला कलर है तो हम इसको खींच के 18 कर देंगे इसकी ल्यूमिनस को और इसकी जो हमारे इस तरफ से विंटेज है ना तो विंटेज को कर देंगे ये प्लस 22 और इतने इसके मेन पॉइंट को भी थोड़ा बढ़ा देंगे और इसकी डेनोस को भी बढ़ा देंगे और क्लियरिटी को अच्छे से हम इंक्रीज करके रख देंगे और टेक्सचर को आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था ग्रीन वाली फोटो एडिटिंग, आप देख सकते हो हमने कुछ उसी प्रकार की फोटो एडिटिंग कर ली है और वो इजीली हो गई है। दोस्तों हम मिलेंगे ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।